एक ही परिवार के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या ने कम्युनिटी संक्रमण की घंटी बजा दी है, क्योंकि आज एक कोरोना मरीजों की लिस्ट में एक ही परिवार के 7 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में ही मुरादाबाद उस समय सुर्खियों में आ गया था जब थाना गलशही क्षेत्र के नवाबपुरा इलाके में उपद्रवी भीड़ ने कोरोना वॉरियर्स टीम पर उस समय हमला बोल दिया था जब वो कोरोना संक्रमित मृतक सरताज अली के परिजनों को क्वारंटाइन कराने और उनका सैंपल लेने के लिए पहुंची थी। 15 अप्रैल को हुई इस बड़ी घटना के बाद से मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अभी तक मरने वालों की संख्या 17 है और कुल मरीज 300 से ज्यादा पाए गए हैं, जिसके चलते जनपद में लगभग 55 हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लेकिन अब मुरादाबाद के उन इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है जहां पर पिछले 3 महीनों से संक्रमण 0 बना हुआ था। आज आई कोरोना मरीजों की लिस्ट में कोतवाली सदर के इलाके कंजरी सराय निवासी एक ही परिवार के 7 सदस्यों में संक्रमण पाया गया है, तो इलाके के साथ साथ जिला प्रशासन में भी हड़कंप की स्थिति बन गई है। आपको बताते चले कि मुरादाबाद के जिला न्यायालय और SSP ऑफिस पहले से ही कोरोना की जद में आने के बाद बंद चल रहे हैं। अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह से जारी रही तो पूरा शहर ही हॉटस्पॉट में बदल जाएगा, क्योंकि शहर के मुख्य बाजार तो हॉटस्पॉट में आने के कारण बंद चल रहे हैं। एक सीमा है पेशेंट, वो कोरोना से निकली थी, तो हमने उनके जो सस्पेक्ट थे 12 सैंपल को हमने परसों लिए थे। आज हमारे यहाँ एक कोरोना जो है ओंकार गुप्ता, इनकी डेथ हो गई है, तो इनके परिवार वालों को और इनके आस पड़ोस के सैंपल लिए हैं।